हाय फ्रेंड्स, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी पनीर हैदराबादी। घर में हमारे पास जो भी सामान अवेलेबल है उसी में हम ये पनीर हैदराबादी रेडी करेंगे। कोई भी काजू नहीं डालेगा इसके अंदर, टमाटर पेस्ट भी हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। कोई भी कटिंग चॉपिंग का झंझट यहाँ पे नहीं होगा। एकदम सिंपल तरीके से पनीर हैदराबादी बना के हम रेडी करेंगे। मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया और पनीर को देखिए मैं रेक्टेंगल शेप में कट कर लिया। और एक पीस मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, सारे पनीर को मैं ऐसे ही रेक्टेंगल पीसेस में कट किया। पनीर हैदराबादी में ऐसे ही पनीर को रेक्टेंगल पीस में कट किया जाता है, बट आपको जैसे पसंद है आप ऐसे ही कट कर लीजिए पनीर को। अभी इन सारे पनीर को ना हमें फ्राई करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर पैन बैठाया और पैन के ऊपर मैं 4 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। ऑयल यहाँ पे जैसे ही अच्छा से गर्म हो जाएगा मैं पनीर के पीसेस को डाल के इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। सारे पनीर का पीसेस को मैं लाल लाल करके फ्राई करूँगी। यहाँ पे मैंने मलाई पनीर का यूज़ किया। पनीर को आप लोग जब फ्राई करेंगे हल्के हाथों से पनीर को पलटना, बहुत बार पनीर टूट जाता है फ्राई करते टाइम। पनीर फ्राई के बाद आपका पनीर अगर थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो थोड़ा हॉट वाटर में सॉल्ट डाल देना और वही पनीर को गर्म पानी के अंदर भिगो के रखना। कुछ देर में आपका पनीर सॉफ्ट हो जाएगा। पूरा पनीर को मैंने लाल लाल करके फ्राई कर लिया। अभी एक एक करके पूरा पनीर को मैं प्लेट के अंदर उठा के रख दूंगी। सारे पनीर यहाँ पे फ्राई हो गया। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस में। कवर हटा के 4 ऑनियन मैं यहाँ पे ले लिया, एक टुकड़ा अदरक ले लिया, 20 से 25 गार्लिक की कलियां और 5 ग्रीन चिली मैं यहाँ पे ले लिया। सारे ग्रीन चिली को मैं ऐसे स्लिट करके ले लिया। जब हम इसे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे ये फट के ऑयल से बाहर ना जाए। सारे चीज़ों को हमें फ्राई करनी है इसीलिए पैन के पास इसे लेके चलते हैं। वही तेल है जिसके अंदर मैंने पनीर को फ्राई किया था, तो उसी तेल के अंदर मैं सारे चीज़ एक एक करके डाल के इसको भी मैं फ्राई करूँगी। ऑनियन का एक साइड जैसे फ्राई हो जाएगा मैं इसको पलट दूंगी और गार्लिक एंड ग्रीन चिली को भी मिक्स करते हुए इसको भी हम फ्राई करेंगे। सारे चीज़ जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा मैं उसको प्लेट के अंदर उठा के रख दूंगी। हमें ना इन सारे चीज़ों को एकदम ठंडा करना है इसीलिए प्लेट के ऊपर उठा के मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। दूसरी ओर मुझे और एक चीज़ प्रिपेयर करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पालक की पत्तियाँ ले लिया, पुदीना पत्ता, धनिया पत्ता, सारी चीज़ों को मैं एक एक मुट्ठी करके लिया। इन तीनों में से आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है उसे आप ले लीजिए, नहीं तो बाकी आप स्किप कर दीजिए। इन सारे चीज़ों को भी मैं पैन के पास लेके आई। ऑयल के अंदर इन सारे चीज़ डाल लेंगे और 1 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करेंगे। बस यहाँ पे 1 मिनट कम्प्लीट हो गया, ये भी भून गया है। अभी इसको भी मैं उठा के रखूंगी सेम प्लेट में। पहले वाला जो प्लेट के अंदर मैंने ऑनियन रखा उसी प्लेट के अंदर इसको भी उठा लिया। अभी इन सारे चीज़ों को हमें एकदम ठंडा कर लेना है। जैसे ये रूम टेम्परेचर में आएगा मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर के अंदर डाल के एक दातरा पेस्ट बनाऊंगी। मिक्सिंग जार के अंदर मैं 2 टेबलस्पून पानी ऐड करूंगी। इससे ज़्यादा पानी आप अगर ऐड करेंगे तब ये जब ऑयल में भुनेंगे तब तेल के छींटा सारे और छिटकेगा। तो मिक्सी को हमें ना पल्स में चलानी है। एक बार मिक्सी को चलाया, बंद किया, वापस से चलाया, ऐसे करके हम 3-4 टाइम्स के लिए इसको चला के दरदरा एक पेस्ट बनाएंगे। ये पेस्ट यहाँ पे रेडी हो गया। अभी हम लोग चलेंगे फाइनल कुकिंग में, यानी कि हमें पनीर हैदराबादी बनानी है। तो गैस के ऊपर कढ़ाई बैठा के मैं 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा इसके अंदर कुछ खड़े मसाले मैं डाल दूंगी। 1 टीस्पून जीरा, 4 लौंग, 4 छोटे इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी, 1 बड़े इलायची और 2 रेड चिली। इन सारे चीज़ों को मैं ऑयल के अंदर मिक्स करके इसको 1 मिनट के लिए भूनूंगी। जैसे ही सारी चीज़ का खुशबू अच्छा से निकल आएगा मैं जो दरदरा पेस्ट बनाया था वो पेस्ट अभी ऑयल के अंदर डाल देंगे। पूरा इस पेस्ट को मैं कढ़ाई के अंदर डाल दिया। अभी इसको हम भून लेंगे। सारे चीज़ अच्छा से भून जाए इसीलिए मैं कढ़ाई के ऊपर कवर लगा के इसको कुक करूंगी और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो रखेंगे। ये जब तक कुक हो रहा है मैं एक मसाला का पेस्ट दही के साथ प्रिपेयर कर लेती हूँ। 5 बड़े चम्मच यहाँ पे दही है, ये एकदम फ्रेश है, इसको मैंने अच्छा से फेंट के लिया।
दही जब आप लेंगे दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसी दही के अंदर मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर आप ज़रूर ऐड करिए, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर। सारे मसाला यहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट भी मैं दही के अंदर डाल दूंगी। दही को मैं पूरे मसालों के साथ अच्छे से मिला लूंगी। दही पूरे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स्ड हो रहे ना, तो इस स्टेज में दही फटने का चांस बहुत कम हो जाती है, क्योंकि दही को एक बाइंडिंग प्रोटेक्शन मिल गई है। दही यहाँ पे अच्छे से रेडी हो गया। अभी हम इस दही को लेके चलेंगे कढ़ाई के पास। कढ़ाई का लीड को अभी ओपन करके देखते हैं मसाला कितना हमारा प्रिपेयर है। देखिए मसाला यहाँ पे अच्छा से प्रिपेयर हो गया और कॉर्नर से आप देख रहे हैं कैसे ऑयल छोड़ दिया है। तो इसी स्टेज में मैं दही को इसके अंदर मिला दूंगी। इस मसाले वाले दही को भी ना मैं बाकी मसालों के साथ अच्छा से मिक्स्ड कर लूंगी। जैसे सारी चीज आपस में अच्छा से मिक्स्ड हो जाएगा, मैं इसके अंदर गुनगुना पानी भी डाल दूंगी। पानी यहाँ पे ज़्यादा ऐड मत करिए, मैं यहाँ पे छोटी कप का आधा कप पानी ऐड कर दिया। ये पनीर की सब्जी में ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनती है। सारे चीज़ यहाँ पे अच्छा से कुक हो जाए इसलिए मैं ढक के कुक करूँगी और गैस का फ्लेम एकदम लो रखेंगे। 2 मिनट बाद मैं इस लीड को ओपन करके चेक करूँगी। देखिए पूरा मसाला यहाँ पे अच्छा से कुक हो गया और मसालों से कैसे ऑयल रिलीज हो गया ना, तो इसी स्टेज में इसके अंदर मुझे और एक चीज़ डालनी है जो है पनीर हैदराबादी की जान। ये है फ्रेश क्रीम। मैं यहाँ पे अमूल का फ्रेश क्रीम ले लिया। 5 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम मैं इस सब्जी के अंदर डाल दूंगी। आपके पास ये फ्रेश क्रीम अगर नहीं है तो घर में जो हम लोग दूध यूज करते हैं उस दूध का मलाई को ले लीजिए। उसके साथ 2 चम्मच दूध मलाई के अंदर मिक्स करके फेंट लीजिए, उसको इस सब्जी के अंदर डाल दीजिए। सारी चीज को मैं अच्छे से मिला लिया। अभी पनीर डाल देंगे इसके अंदर। जो पनीर मैंने फ्राई करके रखा था उसी पनीर को मैं इस ग्रेवी के अंदर डाल के कुक करूंगी। पनीर के अंदर ग्रेवी अच्छे से घुस जाए इसीलिए मैं कढ़ाई के अंदर 2 मिनट के लिए लीड लगा दूंगी। आफ्टर 2 मिनट्स के बाद मैं इस लीड को उठा के आपको दिखा रही हूँ। देखिए पनीर हैदराबादी एकदम रेडी है। अभी इसके ऊपर मैं कुछ चीज और ऐड करूंगी। यहाँ पे कसूरी मेथी मैंने स्प्रिंकल कर दिया, हरा धनिया का पत्ता भी मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूंगी और थोड़ा फ्रेश क्रीम भी मैं इसका ऊपर से डाल दूंगी और फाइनल टचअप के लिए लाल मिर्च वाली तड़का इसके अंदर मैं डाल दूंगी। पूरी चीज डालने के बाद मैं इसका प्लेटिंग भी कर दूंगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि पनीर हैदराबादी इसी तरीके से आप एक बार घर में जरूर बनाइए। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आए एक लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप लोग खुश रहिए, आनंद में रहिए। मैं मिलूंगी अपने कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।